हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे सम्मानित कंपनियों की लिस्ट में टॉप 20 में जगह बनाने वाली पहली इंडियन कंपनी कौन है। एकमात्र इंडियन कंपनी इंफोसिस दोस्तों टॉप 20 में जगह बनाई है। नेक्स्ट, पंकज आडवाणी का संबंध किससे है, तो ये स्नूकर या बिलियार्ड से संबंधित है। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख बन गए हैं दोस्तों एयर मार्शल HS अरोड़ा। कौन? एयर मार्शल HS अरोड़ा बन गए हैं उप प्रमुख वायुसेना के। ठीक है, अभी कुछ ही दिन की पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RKS भदौरिया जो हैं ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के नए कमांडर इन चीफ होंगे। ठीक है, तो अब HS अरोड़ा जो होंगे ये उप प्रमुख होंगे। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष हो गए RKS भदौरिया और वायुसेना के उपाध्यक्ष हो गए HS अरोड़ा। ठीक है, इनकी जगह पर ये आए हुए हैं, पहले RKS भदौरिया थे। ठीक है, यानी फिर से वही कहानी, मैं कल की तरह आपको फिर से बताता हूँ कि BS धनोआ जी जो थे ये 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, और ये भारतीय सेना के सबसे सीनियर अधिकारी थे अभी तक। तो जब सबसे सीनियर थे तो अब ये रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह पर भी लोग आएंगे। तो ये वायुसेना के अध्यक्ष थे, तो इनकी जगह पर आ गए RKS भदौरिया। RKS भदौरिया उप सेना पर अध्यक्ष थे पहले, तो अब उनकी जगह पर आ गए HS अरोड़ा। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये सबसे सीनियर अधिकारी थे BS धनोआ जी। तो जब सबसे सीनियर जो होता है उसे दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अब जब ये रिटायर हो जाएंगे 30 सितंबर को, तो इनके बाद जो दूसरे सबसे सीनियर हैं करंट टाइम पर वो हैं दोस्तों विपिन रावत जी। तो अब विपिन रावत जी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, इतना क्लियर है। अब देखिए, ये अब हम लोग को इंडियन एयरफोर्स का अध्यक्ष पता चल गया, उपाध्यक्ष पता चल गया, और जो भारतीय सेना है इंडियन आर्मी है उसका भी अध्यक्ष पता चल गया, विपिन रावत जी हैं। ठीक है, अब बात आती है नौसेना की। तो नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह जी, इसको भी याद रखिएगा। तीनों सेनाएं आ गई, तीनों सेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस या नौसेना दिवस, और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। क्लियर है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में बात हो गई है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ ले कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तब आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति। ये पॉइंट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। ओके, तो इस क्वेश्चन के अनुसार भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं, HS अरोड़ा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सेवा गुणवत्ता एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। इस एयरपोर्ट को दोस्तों जो यात्रियों को, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको दी जाने वाली जो सर्विसेज होती हैं इस एयरपोर्ट द्वारा, उसी के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड इसे दिया गया है। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कहाँ पर है ये है केरला में। अब इसके लिए दोस्तों एसीआई ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक वार्षिक एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे किया था अपना। ठीक है, उसी सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट आई है जिसमें बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट चुना गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब इसके लिए इसे अवार्ड दिया जाएगा इंडोनेशिया में, कोचीन एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कोचीन पड़ता है केरल में, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ये दो बार चर्चा में आया था। एक बार दोस्तों मैंने बताया था कि ATC टावर याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था कि भारत का सबसे ऊँचा ATC टावर इसी का है। ठीक है, ATC क्या होता है, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल, तो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल टावर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, भारत में सबसे ऊंचा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये है देहरादून में, उत्तराखंड में। अच्छा, दिल्ली जो एयरपोर्ट है ये दोस्तों व्यस्ततम एयरपोर्ट की रैंकिंग में 12वें स्थान पर है इस बार। ठीक है, इसको याद रखिएगा,
ये दुनिया की व्यस्ततम एयरपोर्ट की रैंकिंग में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 12वें स्थान पर है इस बार, पिछली बार 16वें था। नेक्स्ट आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये है लखनऊ में, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन है इस बार 44वीं, कौन सी 44वीं पोजीशन पर है इंडिया इस बार, ठीक है, 2019 की रैंकिंग में, पिछली बार ये 48वें स्थान पर था, चार पायदान का फायदा हुआ इसको। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकेंड पर है सिंगापुर, ठीक है। अब ये है रैंकिंग, तो हम लोग रैंकिंग से क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, पिछले दिनों क्यों क्यों रैंकिंग आई थी, कौन कौन सी रैंकिंग आई थी जिस वजह से इंडिया चर्चे में था। दोस्तों एक तो आई थी फीफा रैंकिंग, ठीक है, फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 104वीं, कौन सी थी 104वीं रैंक थी, पहले पर कौन था बेल्जियम था। इसके बाद आई थी गोल्ड स्टोरेज की रैंकिंग, इसके पहले, ठीक है, स्वर्ण भंडारण की, तो उसमें भारत था 10वें स्थान पर, इस बार टॉप 10 में पहली बार जगह बनाया था। इससे भी पहले आई थी इप्सोस की हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 9वीं, कौन सी थी 9वीं रैंक थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं रूपा गुरुनाथ, कौन रूपा गुरुनाथ। और इसी के साथ दोस्तों ये भारत में जो स्टेट लेवल के क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उसकी हेड बनने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली महिला बन गई हैं जो स्टेट लेवल के जो क्रिकेट एसोसिएशन होते हैं उसके, ठीक है, तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बन गई हैं रूपा गुरुनाथ। अब दोस्तों पहली महिला भी आया है और क्रिकेट भी आया है, तो अब आप बताइए किससे रिवाइज करें हम लोग, कौन सा पॉइंट पकड़ें। चलिए दोनों पकड़ लेते हैं, महिला उठाते हैं और क्रिकेट उठाते हैं, ठीक है, तो महिला क्रिकेट से हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों एक बार मैंने आपको बताया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाली पहली और इकलौती महिला बनी थी मेगन स्कट, कौन थी मेगन स्कट बनी थी व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाली, कहाँ की थी ऑस्ट्रेलिया की थी। इससे भी पहले एक पॉइंट आया था कि एलिसा पैरी जो हैं वो T20 में 1000 रन और प्लस 100 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है, चाहे वो पुरुष में या फिर महिला में, ठीक है, 1000 रन और 100 विकेट एक साथ T20 में कोई नहीं लिया है, तो एलिसा पैरी बनी थी, वो कहाँ की थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की थी। इससे भी पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मिताली राज जो हैं वो T20 से संन्यास ले ली हैं, T20 क्रिकेट से, क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो होने वाला है वनडे वर्ल्ड कप उसकी ये प्रिपरेशन करेंगी, तो मिताली राज ने संन्यास ले लिया। एक और पॉइंट दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्रिक जोन, क्रिक जोन नाम का एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, ये पहली महिला क्रिकेटरों पर बनाई गई मैगजीन थी और इसके कवर पेज पर स्मृति मानधाना की फ़ोटो थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महिला क्रिकेट से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्रिक जोन नाम की पत्रिका, क्लियर है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए उसका आंसर दो, उसके बाद उसी क्वेश्चन से कोई सा ऐसा एक पॉइंट ढूंढो, उसको उठाओ और वहाँ से पुराने दिनों में, पिछले दिनों में जो कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर पाओ उसको रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, बिना रिवीजन के करंट अफेयर आपको याद रखना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे चीज़ों को, तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपके लिए एक ला रहा हूँ मंथली करंट अफेयर का ईबुक, बहुत ही खास ईबुक है सितंबर मंथ का, उसमें दोस्तों सारी चीज़ें जो होंगी वो कैटेगरी वाइज होंगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ अलग तरफ, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाएँ एक तरफ हैं, इंडेक्स रैंकिंग एक तरफ, पुरस्कार एक तरफ, उसके बाद सैन्य अभ्यास जो जो हुए हैं जहाँ जहाँ पर होने वाले हैं वो सब एक तरफ, तो यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 6 महीने बाद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तो भी आप सितंबर मंथ की आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, उठाइए ई बुक उसके बाद पढ़ डालिए, आपके पास एक किताब हो जाएगी। और दोस्तों मार्केट में जो बुक्स मिलती हैं उसको मैंने देखा हुआ है कि उसमें से केवल 10% ही एग्ज़ाम में आते हैं, उसका कारण क्या है जानते हैं आप, क्योंकि वो लोग करते क्या है मंथ के एंड में उठाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह और उठाकर वही डाल देते हैं सब कुछ, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहता है उसी के बारे में डिटेल में लिख देंगे। जैसे मान लो कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अच्छे से उसमें लिख देंगे, तो जाहिर सी बात है फीफा वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ऐसे ही होता है मार्केट में जो बुकें अवेलेबल हैं। जो डेली करंट अफेयर जहाँ मिलता है, जो डेली न्यूज़ से अवेयर होता है, वो बेस्ट तरीके से आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा सकता है।
और वो भी डिटेल में। इसी वजह से मैंने सोचा डिटेल में एक ऐसी ई बुक तैयार की जाए जिससे सारी नॉलेज बहुत ही अच्छे से आपको सभी को मिले और कैटेगरी वाइज मिले, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। जैसे एक दिन आप बैठे अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिए, चलिए अगले दिन आप टारगेट बनाए कि आज राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ डाले, एक दिन आगे आप लोग टारगेट बनाए कि आज खेल जागरण का जो भी चीज़ें होगा खेल खिलाड़ी संबंधित वो सारी चीज़ें पढ़ लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग 3 से 4 दिन में किसी भी मंथ का करंट अफेयर पूरा 100% गारंटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग तैयार कर लोगे, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आई एम सॉरी इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया आपका। चलिए तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ईके पलनीस्वामी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, बनवारीलाल पुरोहित हैं यहाँ के गवर्नर। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें गलती से यूपी के गवर्नर की इमेज चेंज हो गई थी, तो वहाँ पर केरल के जो गवर्नर थे वो आ गए थे। उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करके बताया भी जो लोग को नहीं पता था। तो आप लोग जान लीजिए आनंदीबेन पटेल ही हैं यूपी के गवर्नर, वो मिस्टेक से हो गया था और हमने रिकॉर्डिंग के टाइम ध्यान नहीं दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप रिकॉर्डिंग करने लगते हो तो अगले पॉइंट के बारे में ज़्यादा सोचते हो इन कम्पेयर टू करंट पॉइंट, ठीक है। तो इस वजह से अगला पॉइंट बताने के चक्कर में मैं उस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देख लीजिए मैप में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो तमिलनाडु दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में ही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल का क्या नाम रखने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में MP गवर्नमेंट ने दोस्तों भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल करके राजा भोज मेट्रो नाम रखने की घोषणा की है, ठीक है। भोपाल मेट्रो अब राजा भोज मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। अब ये राजा भोज कौन थे, तो ये दोस्तों 11वीं शताब्दी में परमार वंश के एक शासक थे, राजा थे, ठीक है। अब आया है मेट्रो, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो चली थी 1984 में। कब चली थी? 1984 में चली थी, कोलकाता मेट्रो चली थी, यानी कि कोलकाता में चली थी। और इसी वजह से कोलकाता को भारत का 17वां रेलवे जोन घोषित किया। कब घोषित किया गया? 2010 में, ठीक है। 2010 में कोलकाता मेट्रो बनी भारत का 17वां रेलवे जोन, ठीक है। भारत में 18 रेलवे जोन है, आपको पता होगा। इसके बाद मेट्रो दोस्तों दोबारा जब आई तो वो आई दिल्ली में। कब आई वो? वो आई 2002 में, ठीक है। अगला मेट्रो दिल्ली मेट्रो आया 2002 में, ओके। चलिए अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कमलनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे मैप में ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों ये यूपी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है, नीचे महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर है। और यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कान्हा किसनी नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला। तो अभी हाल ही में इंफोसिस को दोस्तों यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है, ठीक है। इंफोसिस को क्यों मिला है? क्योंकि इंफोसिस दोस्तों एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है जिसको कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मान्यता प्राप्त है, इसके प्रयासों की वजह से। तो इसलिए ये अवार्ड इसे दिया गया, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ठीक है, इंफोसिस को, क्लियर है। इंफोसिस के बारे में जानिए, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। किसने की थी, इसके संस्थापक कौन है? NR नारायण मूर्ति जी। बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और इसके करंट टाइम पर MD और CEO हैं सलील पारेख, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए आपको ग्लोबल दिख रहा है और अवार्ड दिख रहा है, तो ग्लोबल अवार्ड अभी पिछले दिनों में कौन कौन से आए हैं चर्चे में। तो आप ही सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा नरेंद्र मोदी जी को मिला। और अभी कल की वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड का ही था, चेंज मेकर अवार्ड, वो किसे दिया गया? पायल जांगीड को। किसे? पायल जांगीड को दिया गया, ठीक है। अच्छा, फोर्ब्स की सम्मानित कंपनियों की एक लिस्ट आई थी उसमें इंफोसिस का स्थान था और अभी यही मैंने पूछा था कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में। उसमें मैंने पूछा था कि टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन थी सम्मानित कंपनियों की लिस्ट में फोर्ब्स की, तो उसमें इंफोसिस ही थी। दुनिया की लिस्ट में ये तीसरा स्थान था इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किसने किया। तो इसका अनावरण किया है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। भारत की पहली ये स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल वाली प्रणाली है, इसको डेवलप किया है CSIR ने। किसने?
CSIR ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया ने, ठीक है, CSIR ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है, इसको अनावरण इसका किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। अब CSIR आया है तो इसके बारे में भी जानिए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1942 में, 1942 में नई दिल्ली में ये स्थित है। शेखर मंडे जी हैं इसके करंट टाइम पर हेड, क्लियर है इतना। चलिए, रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के हाईकोर्ट के वकीलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब इससे होगा ये दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो वकील होंगे वो इस ऐप के थ्रू केसेस का स्टेटस देख सकेंगे, मुकदमों की जानकारी ले सकेंगे, और अदर कोई नोटिफिकेशंस वगैरह अगर आया रहेगा हाईकोर्ट से वो भी इनको पता चल जाया करेगा, और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें भी सर्विसेज इस ऐप द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी उसका ये लोग लाभ उठा सकेंगे, ठीक है, वकील जो होंगे दिल्ली हाईकोर्ट के। अब दिल्ली हाईकोर्ट आया है तो इसके करंट टाइम पर मुख्य न्यायाधीश कौन है दिल्ली हाईकोर्ट के? तो वो हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल, यानी DN पटेल जी, ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश है। अब मुख्य न्यायाधीश आया तो आप लोग पिछले दिनों में जो मुख्य न्यायाधीश आए हैं चर्चे में उनको रिवाइज कर सकते हैं। सिक्किम की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी थी मीनाक्षी मदन राय, झारखंड के हरीश चंद्र मिश्रा जी बने थे, गुजरात के विक्रमनाथ जी बने थे, त्रिपुरा हाईकोर्ट के बने अकील कुरैसी, और मद्रास हाईकोर्ट के बने वी कोठारी। सभी को याद करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 भारत और किस देश के बीच में होगा? तो ये होगा दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद 2019। अच्छा, काजिंद को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? काजिंद 2019 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें डिकोड कैसे करेंगे? KAZ को कजाकिस्तान समझिए, IND को इंडिया समझिए, ठीक है। तो इसी दोनों नाम से बना है ये काजिंद, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये होगा कब? ये होगा दोस्तों 2 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक, यानी अगले महीने में ये होना है। कहाँ पर होगा? पिथौरागढ़ में होगा, उत्तराखंड में होगा, ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका चौथा संस्करण है, इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आया है सैन्य अभ्यास, तो सैन्य अभ्यास पिछले कुछ दिनों में जितने भी आए हैं चर्चे में सभी को कमेंट करके आपको लिखना है, आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जितने भी सैन्य अभ्यास आए हैं उनके नाम लिखिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? इसमें 86 किलोग्राम कैटेगरी कर लीजिएगा, ठीक है, 86 किलोग्राम के कैटेगरी में वर्ल्ड की टॉप रैंक पर हैं दोस्तों दीपक पूनिया, 86 किलोग्राम की कैटेगरी में टॉप पर हैं। आपको पता होगा अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, इनके पैरों में चोट लग गई थी, इस वजह से ये फाइनल नहीं खेल पाए थे, ठीक है। तो 86 किलोग्राम की कैटेगरी में ये टॉप पर हैं रैंकिंग में। इसके बाद दोस्तों बजरंग पूनिया दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में, ये 65 किलोग्राम की कैटेगरी में सेकेंड रैंक पर हैं। इससे पहले ये फर्स्ट रैंक पर थे, लेकिन इस बार जो जारी हुई रैंकिंग इसमें ये सेकंड पर आ गए हैं, ठीक है, 65 किलोग्राम कैटेगरी में। अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये अलग रैंकिंग है, ये अलग रैंकिंग है, यानी 86 किलोग्राम की कैटेगरी की रैंकिंग अलग है, 65 किलोग्राम की कैटेगरी की रैंकिंग अलग है। ऐसे ही विनेश फोगाट जो हैं इनकी भी अलग लिस्ट है, ये महिला खिलाड़ी हैं, महिला रेसलर हैं, और 53 किलोग्राम की कैटेगरी में सेकेंड पर हैं, ठीक है, 53 किलोग्राम की कैटेगरी में विनेश फोगाट का स्थान दूसरा है। अब यहाँ से दो पॉइंट रिवाइज करिए, मैंने बताया आपको कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप उसमें बजरंग पूनिया ने जीता था कांस्य पदक, ब्रांज मेडल, ठीक है, दीपक पूनिया ने जीता था सिल्वर मेडल। हुआ कहाँ था ये? ये हुआ था नूर सुल्तान में, कजाकिस्तान में, ठीक है। चलिए तो बस फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जिससे मैं अगले दिन और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने RRB NTPC और ग्रुप डी की ईबुक नहीं परचेज़ की है तो परचेज़ कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको ये मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है हिंदी के ईबुक में, हिंदी के ईबुक में आपको 10 फुल प्रैक्टिस सेट भी मिल जा रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान से दोनों क्वेश्चंस को पढ़िए और डिटेल में आंसर करने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं अब उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए हैं। तो उन टॉप 15 लोगों के नाम हैं राहुल बंसल, कमलेश कुमार, श्वेता राय, सारिका बिश्नोई, सुजीत कुमार, राकेश ढाका, आकाश पटेल, शुभम, इंद्र कुमार मीना, राजेंद्र मेघवाल, मंटू कुमार, मधु स्मिता, सौरभ, रेणु यादव और विशाल मौर्य। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो दोस्तों बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।